तो अयोध्या को लेकर बड़ा फैसला आ चुका है, बात साफ हो चुकी है, अब क्या होना है। और इसी बीच आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं आपको। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की है कि फैसले से संतुष्ट नहीं है ओवैसी, 5 एकड़ का ऑफर नामंजूर किया है असदुद्दीन ओवैसी ने। दी हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर मुल्क, जब तक दुनिया कायम रहेगी इस मुल्क में हम बाइज्जत शहरी थे और रहेंगे, मगर हम अपनी नस्लों को ये बताते जाएंगे कि यहाँ पर 500 साल तक मस्जिद थी और 6 दिसंबर 1992 को संघ परिवार ने और कांग्रेस की साजिश की वजह से वहाँ पर मस्जिद को सारी दुनिया के सामने शहीद किया गया और सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त जाकर कहा गया था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मस्जिद के ऊपर कोई सौदा नहीं किया जा सकता। मैं अपने जाती घर का सौदा कर सकता हूं, मगर मैं मस्जिद की जमीन का कोई सौदा नहीं कर सकता। और मैं उम्मीद करता हूं और मुझे यकीन भी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मीटिंग करेगा और जो फैसला लिया जाएगा हम उनके साथ हैं। 5 एकड़ की लैंड के बारे में आप कह रहे थे सर, धार्मिक सौहार्द भाईचारे के लिए अगर इस तरह का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि उससे पहले क्या 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 ये फैसला क्या नहीं नहीं सुनिए क्या ये फैसला भाईचारगी के लिए आया है? इंसाफ जब होता है तो इंसाफ ये नहीं देखता, इंसाफ ये देखता है कि टाइटल के ऊपर होता है, जस्टिस बहुत सी चीज़ों पर होता है। कौन कह रहा है कि हम भाईचारगी के खिलाफ हैं? यानी ये हो गया कि 6 दिसंबर को 92 को जो डिमोलिशन हुआ था, तो आप अगर कल बताइए, अभी काशी मथुरा का चल रहा है, गो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के उस एक्ट का जिक्र किया है, एक्ट का जिक्र किया है, मगर आपको मैं बता रहा हूं ये संगी लोग क्या बोलेंगे। अब प्राइम मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूएंसी में मस्जिद है, वो ये लोग जाके बोलेंगे कि हाँ 91 का एक्ट हम मानते हैं मगर उसके तहखाने पर हमारा हक है। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद है, बोलेंगे मस्जिद ने, मस्जिद का जो सामने आंगन है उस पर हमको झगड़ा है। और फिर 89 में पालनपुर में बीजेपी ने रेजोल्यूशन पास किया था राम मंदिर का, 1960 में विश्व हिंदू परिषद के 60s में एस्टैब्लिशमेंट हुआ, उस वक्त राम मंदिर नहीं था। अब ये मुझे डर इस बात का है कि ऐसे कई मसाजिद हैं जिस पर संघ परिवार के लोग बोलते हैं कि हमारा उस पर वहां पर किस जमाने में मंदिर थी। तो ये आज का जो फैसला आया है प्रमोद जी, ये फेथ की विक्ट्री हुई है फैक्ट्स के ऊपर, ये फेथ की विक्ट्री हुई है फैक्ट्स के ऊपर। और मुझे डर है, डर नहीं बल्कि एक अंदेशा है, अप्रिहेंशन है कि कल संघ परिवार के लोग काशी मथुरा हो, टीली वाली मस्जिद पर सब चलाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अगर हम लेकर जाएंगे उन कोर्ट्स में जहां पर एक केस चल रहा है, तब हमको पता चलेगा कि वो कोर्ट्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज के अपने जजमेंट में 91 के एक्ट के ऊपर तबसरा किया है,